गुड आफ्टरनून क्लास। हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने सप्लीमेंट एंगल्स, हमने एंगल्स के बारे में जाना, लाइंस के बारे में जाना, लाइंस रे, लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट, ये सब हमने जान लिया था। और एंगल्स के बारे में जाना कि एंगल्स कैसे कैसे होते हैं। अब हम एंगल्स के बारे में और पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस कैसी होती हैं, और एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, अब जैसे अब हमने क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसके पास एक एंड पॉइंट हो वो रे, और जिसके पास कोई एंड पॉइंट ना हो वो एक लाइन। हम तीन चीज पढ़ेंगे लाइंस के बारे में ही, कि दो लाइन, ये लाइन जा रही है दिस एंड दिस, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे चलती जा रही है, ये वाली भी आगे चलती जा रही है। दो लाइन हम लेंगे। पैरेलल का क्या मतलब है कि ये दोनों ही लाइन आपस में आगे चलती रहें, पीछे भी चलती रहे, लेकिन कहीं भी ना मिले। ये लाइन और ये लाइन आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब जैसे कि दो लाइन है, एक लाइन में ये ड्रॉ करूं जो कि नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी लाइन में ये ड्रॉ करूं, अगर ये अगर लाइन थोड़ी और आगे जाएगी और ये लाइन थोड़ी और पीछे जाएगी, ये यहाँ पर जाके दोनों मिल गई, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो लाइन आपस में कभी भी ना मिले उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। हमने पैरेलल लाइन के बारे में एक लाइंस पढ़ी हुई है, दीज आर द दूज लाइन विच नेवर मीट, कि जो कभी भी नहीं मिलती उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल, ए लाइन विच कट टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, कि एक लाइन, जैसे कि दो लाइन जा रही है, इनको हमने कट करवाया इस लाइन से। अब जो ये वाली लाइन है, इस मान लीजिए ये लाइन है ए बी, ये मान लीजिए सी डी, और ये मान लीजिए ई एफ। ये हमने नाम दे दिया वैसे ही, कि जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब जो लाइन ई एफ जा रही है, ई एफ जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ए बी और सी डी दोनों ही लाइन को कट कर रही है, काट रही है ना, इसको इस पॉइंट पे काट रही है, इसको इस पॉइंट पे काट रही है। तो ई एफ, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ई एफ कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन को कट कर रही है, विच कट टू डिफरेंट लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है ना। अब हम क्या जानेंगे कि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन, कोई एक लाइन कट, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसके बीच में कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं, क्या क्या एंगल्स बनते हैं, क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे अगर मैं यहीं पर जानूँ तो अगर मैं लिख लूँ ये एंगल वन, पॉइंट दे दूँ ई F हो गया, P और Q पॉइंट दे दीजिए, मान लीजिए, ठीक है, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, बन रहने वाले एंगल। आप सभी को पता है कि एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। इसलिए लाइन है, इसके ऊपर वाला 180, नीचे वाला 180, इस, ठीक है, आपको पता है, मैंने इसको नाम दे दिया, ये एंगल वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, फाइव सिक्स सेवन और एट, ये सभी क्या हैं, एंगल्स हमने नाम दे दिया। अब हम डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन कौन से एंगल क्या क्या हैं। सबसे पहले दो लाइन आपको याद करनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर, नाम से पता लग रहा है इंटीरियर, इन, अंदर वाला, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, बाहर वाला। अब अगर मैं ये बात, ये डायग्राम देखूं, इसमें अंदर वाले क्या टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन हैं ए और बी, जो अंदर वाले एंगल्स हैं, चार एंगल बन रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये ऊपर वाले, ये एंगल बाहर की तरफ है, ये दोनों एंगल बाहर की तरफ है, ये दोनों एंगल बाहर की तरफ है, ये दोनों अंदर की तरफ है, ये दोनों भी, ये दोनों भी। तो इसमें अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो एंगल अंदर की तरफ हैं। अंदर कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 लिख देता हूँ। 3 ये साइन है एंगल ड्रॉप, एंगल बनाने का, ये वाला साइन है ये एंगल का है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये कैसे एंगल है, इंटीरियर। द एंगल हुज आर्म्स डू नॉट कंटेन द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट पी क्यू, नहीं द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड द लाइन सेगमेंट पी क्यू, कि जिसके जिस एंगल्स के जो एंगल पी क्यू वाली साइड्स बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर की तरफ है। क्या बन रहा है इंटीरियर एंगल्स, जो एंगल लाइन के अंदर की तरफ हो। और यहाँ अगर मैं लिखूँ एक्सटीरियर, जो एंगल बाहर की तरफ हो, ये वाले एंगल ऊपर के दो और नीचे वाले दो, 1, 2 और 7, 8 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप सभी को पता लग गया है, आपकी बुक के अंदर भी, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ डेफिनेशन के साथ। एक्सटीरियर एंगल्स दूज एंगल्स हुज आर्म डू नॉट कंटेन लाइन सेगमेंट ई एफ, इसने ई एफ क्या माना हुआ है, ये वाला, कि जिस एंगल के पास ये ई एफ लाइन सेगमेंट नहीं है, जिस एंगल के पास ये ई एफ लाइन सेगमेंट नहीं है वो एंगल कैसे होंगे, एक्सटीरियर एंगल, 1, 2, 7, 8। इंटीरियर में क्या बताया, द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड द लाइन सेगमेंट ई एफ, जिन एंगल्स के पास ये वाली लाइन सेगमेंट है, जो ये ई एफ लाइन सेगमेंट है, जिन एंगल के पास ये ई एफ लाइन सेगमेंट है वो कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल। तो 3, 4, 5, 6 कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल। अब मैं बात करता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, क्या लिखा है पढ़िए एक बार। ए पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स आर एक्सटेंडिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पेयर ऑफ कोरस्पोंडेंस एंगल। जैसे कि एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। आप लोग देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कोई भी दो पैरेलल लाइन्स हैं, हमने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी, ये वाला एंगल इसके कोरस्पोंडेंस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के, मतलब क्या मतलब है इसका, कि एंगल 1 जो है वो कोरस्पोंडेंस एंगल है एंगल 5 के साथ, एंगल 4 भी कोरस्पोंड करता है एंगल 5, जो ये 8 एंगल है, 8 एंगल कोरस्पोंड करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं वो देखना है। एंगल 1 करता है 5 के साथ, 4 करता है 8 के साथ, 2 करता है 6 के साथ, 3 करता है 7 के साथ। डेफिनेशन के टाइप में अगर देखें तो वो है एक पेयर ऑफ एंगल, कि एक जोड़ा एंगल्स का इन विच जिसके अंदर आर्म जो है दोनों ही एंगल की सेम साइड जा रही हो, ऐसे कि 6 और 2 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर अदर आर्म्स आर एक्सटेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पेयर ऑफ कोरस्पोंडेंस एंगल। देख लिया आपने, 1 सारे एंगल कोरस्पोंडेंस एंगल है, बट कौन सा किसके साथ है, एंगल 5 जो है कोरस्पोंड करता है 5 के साथ, 4 8 के साथ, 2 6 साथ, 3 7 के साथ, ऐसे ही इंटीरियर। अब देखना आपको अल्टरनेट का मतलब, इंटीरियर पता लग गया आपको, अंदर वाले एंगल जो ये दो लाइन आ जा रही थी, इनके जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो इंटीरियर, बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर। अल्टरनेट ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन हाफ ऑफ द अदर एंगल इज ऑन द अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट। अगर मैं बात करूँ अल्टरनेट की, चारों ही एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन अल्टरनेट अपोजिट साइड, जैसे कि ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, एंगल 3 लेफ्ट साइड, एंगल 5 राइट साइड, तो एंगल 3 और 5 कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में ये 4 राइट साइड, 6 लेफ्ट साइड, एंगल 4 और 6 कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर में देखेंगे, चारों ही एंगल कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं, एंगल 7 और एंगल 1 और 7 कैसे हैं, अपोजिट साइड, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो एंगल 1 और 7 कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 इधर है, 8 इधर है, दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये आपको डेफिनेशन सभी एंगल्स की याद करनी है, कैसे इन्हें अप्लाई करते हैं, क्या से सोल्व करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप अभी क्या याद करेंगे इनकी डेफिनेशन, कि क्या कौन कौन से एंगल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम दिया गया उन्हें। थैंक यू।